ये है साइलेंट एयरपोर्ट। यहाँ पे कोई बोर्डिंग के अनाउंसमेंट नहीं होगी, आपको फ़्लाइट का स्टेटस इंफॉर्मेशन मॉनिटर में देखना है। और ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आई एम प्लानिंग टू अवेल द लॉन्च सर्विस। वाओ, ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वॉकिंग ब्रिज है। टर्मिनल से हम निकल चुके हैं MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे से एयरपोर्ट की ओर। एयरपोर्ट अभी न्यूली मेड है और काफ़ी खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से फ़्लाइट ली जाए। वैसे मैं फ़्लाइट लेकर के जाने वाली हूँ जयपुर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पकीनम पाकम बीच और ये मच्छी मार्केट है लगता है। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। वेल, यही है अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अभी इसे ओपन नहीं किया गया है। कुछ ऐसा दिखता है, लिफ्ट जो है एग्जैक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर लिफ्ट है, जो मेट्रो से आते हैं वो आ सकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है इंटरनेशनल टर्मिनल। अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल। ये वॉकिंग ब्रिज है, ब्यूटीफुल ब्रिज है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, इस वजह से इसे अभी यहाँ से ऑपरेशनल नहीं किया गया है। देखिए नीचे गार्डन वर्क कर रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं D5 गेट नंबर है, उसी तरीके से D5, D4, D7, D6, D7 और 10 तक है। D10 तक यहाँ पर गेट्स हैं जहाँ से इंटरनेशनल एंट्री हो सकती है। जो आपको सामने दिख रहा है वो है एयरपोर्ट मेट्रो, वो यहाँ से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली जो है मेट्रो से आप एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। मैंने सोचा चलो चेन्नई एयरपोर्ट से आपको नए एयरपोर्ट की फील भी तो दिला दें। तो चेन्नई एयरपोर्ट के बारे में ये है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने करीब 25 ऐसे एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया है जिनको प्राइवेटाइज्ड किया जाएगा और उनमें से चेन्नई एक है। और इसे बेसिकली जो स्मॉल एयरपोर्ट है, छोटे एयरपोर्ट को बड़े एयरपोर्ट के साथ क्लब करके इसे प्राइवेटाइज करने वाले हैं। तो चेन्नई भी प्राइवेटाइज हो रहा है। बस राह देख रही हूँ कि अंदर मुझे कुछ शूट करने मिलता है क्या। देखिए मेट्रोज आ रही है यार, मैंने मेट्रो में ही आना चाहिए था, सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाती। वैसे MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आपको करीबन 14 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है एयरपोर्ट आने के लिए।
मुझे लगा कितना 523 रुपीस ओला में। और ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मेरी इंडिगो की फ्लाइट है तो है कि लास्ट मीटिंग 4। ये है साइलेंट एयरपोर्ट, यहाँ पे कोई बोर्डिंग की अनाउंसमेंट नहीं होगी, आपको फ्लाइट का स्टेटस इंफॉर्मेशन मॉनिटर में देखना है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, फिर वहाँ हम शूट नहीं कर पाएंगे। आखिर टाइम पर है, टाइम पर तो क्या है, मुझे लगता है लेट ही होनी है, 4 तो ऑलमोस्ट बज ही गए हैं और हो रही है हमारी फ्लाइट। वहाँ पर बस का भी क्यों ऐसा नहीं रहता है। ओके ये है मेरी फ्लाइट, मेरी सीट है। ओके करने से पहले ही मैंने लस्सी पी थी। अभी कितने बजे हैं, 7, लेट्स सी क्या होता है, 7 है तो अभी चेक इन करते कराते हैं, मतलब ढाई घंटा लग जाए क्योंकि अभी तो सब खड़े हैं। देखो ओके, मेरा गोप्रो रह गया था और बाजी लेकर के आए क्योंकि मैंने सोचा क्यों निकल जाए, उसके बाद मैं जाती हूँ। सबसे अच्छी बात ये होती है जब सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन इनकी मामा है तो वो हमारे ब्लॉग्स देखती हैं एक्सट्रीम रोड्स पर। ये हो गया लोचा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं दिल्ली में T1 के अराइवल पे हम पहुंचे, अभी मैंने जाना है T2, सो ही इज गोइंग टू ड्रॉप मी आउट, वहाँ से मुझे शटल करनी है और शटल करके आई हैव सपोज टू गो टू T2। तो अब मैंने जाना है T2। अच्छा वो बैग वैग नहीं है और टाइम वेस्ट होता। T2 और मेंशन किया हुआ होता है मेट्रो स्टेशन या व्हाटएवर, तो आपको पहुंचा देती है वो अपने निर्धारित गंतव्य। 40 रुपीस लेगी यहाँ से, मतलब मैं भी T1 तो यहाँ से T2 तक जाने के लिए। वेल तो हमारी सवारी अब चली T1 से T2 की तरफ। चलो भाई, कहाँ चेन्नई का एयरपोर्ट दिखाने चली थी आप लोगों को। चलो अब दूसरे काम पे चलते हैं। इतने चक्कर चक्कर में लगा रही हूँ, दिल्ली से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से कोयम्बतूर, कोयम्बतूर से अगेन चेन्नई, कपड़े भी उतने नहीं लेके निकली थी। अब जा रही हूँ जयपुर, टी शर्ट लेना पड़ा मेरे को, 25 गेट। आई एम प्लानिंग टू अवेल द लॉन्च सर्विस
तो मेरा जो ICICI का रूबिक्स कार्ड है वो यहाँ पर चल जाएगा, लेट्स सी। लेकिन अभी बजे हैं 8:36, मेरी फ़्लाइट है 9:55। वैसे टाइम तो है लेकिन स्टिल। ओके गाइस, सो आई एम अवेलिंग दिस लॉन्च सर्विस, और इस लॉन्च सर्विस को अवेल करने के लिए आपके पास वो क्रेडिट कार्ड होने चाहिए जो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मेरा ICICI का रूबिक्स कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो गया है, सॉरी। एंड एज यू कैन सी पीपल आर एंजॉयिंग, ये सारी डेलिकेसीज आपको खाने मिल जाएगी। यहाँ पे है केक एंड हलवा, सो यू गेट वाटर फ्री, यू गेट कॉफ़ी फ्री। इतने वैरायटीज ऑफ टी हैं वो भी आपको मिलेंगे। पेट पूजा हो गई, बस में राइड हो गई T2 से। मैं अब दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर जा रही हूँ। अभी तक मेरी ऑटो बुक नहीं हुई है, जैसे ही बुक होगी तो ही सांस में सांस आएगी, क्योंकि रात को पहुँचूंगी मैं 11 बजे के आसपास। क्या भरा है मेरे पैर में, सोचो कहाँ से आज सुबह की 4 बजे की उठी हुई हूँ, 5 बजे बाहर निकली हूँ ऑटो से, कोयम्बटूर स्टेशन वहाँ से चेन्नई स्टेशन से एयरपोर्ट से दिल्ली में T1 से शटल किया, शटल वो तो खैर आप सब देख ही चुके हैं। घंटे बाद पहुंच जाए जबलपुर भी बंदा भारी रहा है ना दोस्तों। जयपुर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। बहुत ही जल्दी पहुंच गए, पहले यहाँ पे आवाज बहुत गंदी आई। ओके, तो कुछ ऐसा है जयपुर एयरपोर्ट। ये 3D में बहुत सुंदर लग रहा है। इसी के साथ ही व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर, और अब मैं जाती हूँ अपने होटल। अभी जिस मैंने बुक किया उसमें मुझे 15 मिनट लग गए। तो ओके गाइस, दिस वाज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। कहना मुझे कि चेन्नई एयरपोर्ट कैसा लगेगा, मतलब अंदर से जब देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त दिखने वाला है। और उसके अलावा लॉन्च दिखाया मैंने आपको, हैरेसमेंट दिखाया मुझे जितना हुआ। एनीवेज चलो टाटा बाय बाय। DRM ऑफिस यहीं पर है और मेरी होटल भी यहीं पर है, वंडरफुल, और स्टेशन यहीं पर है। तो मैं इंटीरियर से थोड़ा सा खुश हूँ, जैसा बताया था ऑनलाइन में वैसा ही दिख रहा है। कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे है। वेल, ये मेरा रूम है।